बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर करण जौहर इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में उनका एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। इस क्लिप में वो अनुष्का शर्मा के बारे में बात करते नजर आ रहे थे। करण ने कहा था कि वो शुरुआत में अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करना चाहते थे, हालांकि बाद में जब उन्होंने अनुष्का की एक्टिंग देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उनसे माफी भी मांगी। इस बीच कंगना रनौत ने करण जौहर पर हमला बोल दिया था। बीते दिनों उन्होंने करण जौहर को ट्रोल करते हुए कुछ स्टोरियां लगाई थीं। इसके बाद करण जौहर ने सोशल मीडिया पे पलटवार किया था। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने एक शायरी लिखी थी। करण ने लिखा, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ के बन जाओ गुलाम, हम बोलने वालों में से नहीं, जितना नीचा दिखाओगे, जितनी आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं, हमारा कर्म हमारी विजय है, आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं। अब इस बात पर कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर करण की वाट लगा दी है। कंगना ने लिखा है, एक वक्त था जब चाचा चौधरी एलीट नेपो माफिया वालों के साथ नेशनल टेलीविजन पर मुझे बेइज्जत और बुली करते थे, क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी। आज इनकी हिंदी देखकर ख्याल आया, अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधारी है, आगे आगे देखो होता है क्या। आपको बता दें कि कंगना रनौत हमेशा से ही अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं, और करण जौहर और कंगना रनौत का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये अक्सर कोई ना कोई नई बातें लेकर के सामने आ जाता है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है आप हमें बताना ना भूलें। फॉर मोर सच कॉन्टेंट डू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स टू बॉलीवुड लाइफ.com।